गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यही बात करूँगी, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एंड मैक्सिमम शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपने FB पेज पर शेयर करें मेरे चैनल को। जजाकल्ला। और ये जी स्कूल से वापसी के दोपहर का टाइम है आज। मीरा ने वेस्ट ऑफ फ्राइडे को मोस्टली मशीन लगाती हैं, पर आज उन्होंने लगा ली थी आज ही थर्सडे को। तो मैं बस देखने गई थी गेट बंद किया है मेरे बड़े बेटे ने कि नहीं किया है। उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock का टाइम है, तो मैं बच्चों को पॉपकॉर्न बना के देने लगी हूँ। इन्होंने खाना वगैरह तो खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। मोस्टली सॉल्ट वाला लाइक करते हैं, बट उन्हें वो नहीं था, तो मैंने आई थिंक ये बटर वाला ले लिया है, तो मैंने कब यही बना दूं। और स्कूल बाकी बच्चों के भी खुलने ही वाले हैं, बस अल्लाह मियाँ सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ुमान में रखे, किसी माँ बाप के लिए कोई आजमाइश का टाइम ना लेके आए, क्योंकि सुना है केसेस निकले हैं, 22 स्कूल सील कर दिए हैं पूरे पाकिस्तान में, और एक इस्लामाबाद और कराची की बच्ची की डेथ हो गई है। ये जी पॉपकॉर्न रेडी होने ही वाले हैं, इसके बाद मैं बच्चों के लिए डालूंगी बाउल्स में और अपनी आंटी मदर इन लॉ के लिए डालूंगी। मैंने बहुत थोड़े खाने, ज़्यादा नहीं खाने, क्योंकि मैंने दोपहर को खाना भी नहीं खाया था, आके चाय पी ली मैंने मग भर कर, तो बस दिल नहीं कर रहा, पता नहीं भूख क्यों थोड़ी लग रही है, दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी खाऊँ। और सोची रात को पकाने तो मैंने चावल थे, बट आटा एक दिन पहले का गूंदा हुआ पड़ा था, वो मैंने कहा खबीरा हो जाएगा फिर, तो मैंने दुखी दिल के साथ सालन पका लिया चिकन का, ताकि रोटियां पक जाएं। अदरवाइज़ चावल मुझे बड़े इजी लगते हैं, फटाफट पका के रख दो, ना आटा गूंदना पड़ता है ना रोटियां पकानी पड़ती हैं। और ये पॉपकॉर्न डन हो गए, मैं लेके जा रही हूँ, और ये मैं निकालने लगी हूँ फिर से चिकन का पैकेट। एक दिन पहले आया था तो मैंने वॉश करके इसको फ्रीज़ कर दिया था, मैं वॉश करके रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती। और इसमें लेस चिप्स नहीं है, इसमें चिकन का पैकेट है जो मैं बाहर निकाल दूँगी, ताकि शाम तक थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो जाए और मैं उठ के फिर पका लूँगी। ओके जी, आई एम गोइंग टू चेंज माई बैग। एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ, एंड हुआ, तो मैंने अपना बैग नहीं चेंज किया, पूरी वेकेशन 6 months की यही चलता रहा है बैग। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनी बैग, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, बट आई एम वेरी लेजी इन चेंजिंग माई बैग, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शिफ्ट ऑल द स्टफ फ्रॉम वन बैग टू अनदर बैग, बट फाइनली आज मैंने हिम्मत इकट्ठी कर ली और मैंने अपना एक पर्स निकाल लिया अलमीरा में से। और जैसे ही मैं बेड पे आके बैठी हूँ, ये देखें वो दोनों आंटी और अंकल मेरे साथ आके बैठे हैं मुझे देखने के लिए कि मैं क्या करने लगी हूँ। ओके जी, ये मेरा बैग था, ये जिसकी हालत अब बिल्कुल ही मरने वाली हो चुकी है। ये मेरी सिस्टर लाई थी फ्रॉम इंग्लैंड, लाई मेरे लिए नहीं थी, लाई वो किसी और के लिए थी, बट मैंने उनसे छीन छून लिया। एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मैं ऐसी चीज़ें दूसरों से छीन ले लेती हूँ जिद करके नहीं, वो खुद ही दे देती हैं। एंड बट इसके अंदर मैं चीज़ें डालूंगी। ये मेरा बैग है एंड इट्स फ्रॉम, कहाँ से लिया था ये मैंने, आउटफिट नहीं, इट्स फ्रॉम ब्रेकआउट। ये थोड़ा सा मैंने यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल न्यू नहीं है, इट्स फ्रॉम ब्रेकआउट। उससे पहले मैं दिखाती हूँ मेरे बैग में है क्या क्या, कितना गंद है। ओके जी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉकेट। एक्चुअली मेरा बैग बहुत हैवी होता है, जो गंद मिलता है मुझे और रखने की जगह ना मिलता है, मैं बैग में ठूंस लेती हूँ। इवन जब मैं अपनी किसी फ्रेंड को पर्स पकड़ाती हूँ, कहती है कौन से वट्टे भरे हुए हैं तुमने इसके अंदर। ओके, सबसे पहले, अच्छा नहीं, इससे शुरू करते हैं। एक तो जी सबसे पहले ये निकलेगा डेफिनेटली एक छोटा सा वॉलेट, जिसके अंदर कार्ड है और पैसे वगैरह होते हैं, सबके पास ही होता है, मेरे पास भी है, और ये है। देन उसके बाद निकलेगा एक अदद मोबाइल। एक्चुअली ये मैं यूज करती हूँ जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, तो इसलिए मैं इसको बैग से नहीं निकालती, स्कूल में ही यूज होता है जब तक टाइमिंग हो, ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग हो, अदरवाइज मैं फिर नहीं इसको यूज करती। देन इसके बाद आती है एक अदद ये कॉम, जिसको आई थिंक हार्डली मैंने एक या दो दफा यूज किया है, मैं नहीं यूज किया, बट होती है मेरे पर्स में। एंड देन जी व्हाट्स कम्स अप, ब्लू पेन, वॉल पेन, देन कीज, मेरे लॉकर की हैं एंड मेरी कबर्ड की हैं, मास्क एंड अदर मास्क, ये देखें जी ऊपर बीबी क्रीम लगी हुई है, देन अ परमानेंट मार्कर,
मैं कहा ना जो जो मुझे कोई चीज रखने की जगह नहीं, मैं अपने पर्स में डाल देती हूँ। एंड रेड बॉल पेन, देन आई यूज कटा फटा सा टिश्यू, रैपर्स, आई डोंट नो ये किसी फ्रेंड ने डाले होंगे, स्लिप ऑफ समवेयर खाड़ी, खाड़ी की स्लिप है कुछ लिया था, देन अगेन की चेन, ये अम्मी के घर की है मेरे पास, देन माउथ फ्रेशनर बबल है ये बबल गम, लिप ग्लॉस सॉरी लिपस्टिक, एक्चुअली जो मैं डेली लगानी होती है तो वो मैं अपने बैग में रख लेती हूँ, एंड इट्स फ्रॉम सेफोरा, बहुत प्यारा शेड है, जब मैं अपना लिप कलर्स आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी देन आई विल शो यू। एंड ये मेरी नीस लेके आई थी मेरे लिए, और ये देखें जी ये है क्वाइन ठिप्पे सिक्के क्वाइंस, देन ये पता नहीं ये एक वायर है जो आई थिंक जो वायर्स को करती है, देन मरी मुक्की सी एक सनी प्लास्ट नहीं होता, आई डोंट नो अ रैपर फ्रॉम वेयर, थोड़ा सा इसको पीछे करूं, ऐसे आपको सही वाला नजर आएगा। अच्छा जी देन अगेन कार्ड होल्डर्स, इट हैज माय कार्ड्स, ये मेरी लाई थी भाभी मेरे लिए, देन अ परफ्यूम मस्क मिनी इट्स फ्रॉम डियोर, देन आई डोंट नो ये किसी बच्चे के हैं क्या था, फॉर आईडी कार्ड पेमेंट के लिए तो नाम लिख के मैंने रखे हुए हैं, जब स्कूल रीओपन होंगे आई हैव टू रिटर्न हर बैग, देन अ पेपर इट्स अ स्लिप, देन अ माउथ फ्रेशनर इट इज मस्ट ताकि दूसरों का जीना हराम ना हो जो साथ बैठे हैं, देन अगेन अ मिनी मस्क इट्स फ्रॉम डियोर, इट्स नेम इज मिस डियोर चेरी, देन अ रबर बैंड, आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग इन माय पर्स, अ सेल अगेन कॉइन, ये जी नहीं वन मोर कॉइन, ये जी हो गया खाली, देन कम टू अदर पॉकेट, मेरी आंखें जो लगा के मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता है, लिटरली नजर नहीं आता है मुझे, और ये देखें जी वो अम्मा आ गई हैं साथ ही इनकी मासी, मैं कभी इन्हें मासी कहती हूँ कभी आंटी कहती हूँ जो मेरा दिल करता है, एंड अब पेंसिल आई डोंट नो ये मेरी किस फ्रेंड ने इसमें डाल दी है, अदरवाइज मैं पेंसिल इरेजर्स अपने पर्स में नहीं रखती, हैंड क्रीम ये मस्ट होती है मेरे लिए, एंड दिस इज अगेन अ लिपस्टिक, ये वाली भी पता नहीं मैं निकाली नहीं, आई थिंक कल लगाई थी या परसों लगाई थी मैं निकालना भूल गई, और ये देखें जी ये बीच में ही आ गई, अ टेबलेट पेन किलर, देन अ लिप बाम, अगेन ब्लू बॉल पेन, देन अगेन रेड बॉल पेन, देन आई डोंट नो इट्स अगेन अ रैपर, अगेन अ बैंडेज, देन टू USBs, अगेन अ लिपस्टिक इट्स फ्रॉम एवियन, ये बहुत प्यारा शेड है नजर, अच्छा जब मैं शेयर करूँ ना कलेक्शन तो ये पता नहीं क्यों मेरे पर्स में इतनी रह गई, अदरवाइज मैं पहले वाली निकाल देती हूँ, मतलब ऐसी गंज मत है, अगेन अब बैंडेज, और ये रेजर शार्पनर, ये मेकअप में किसी फ्रेंड ने बीच में इसको नहीं जगह मिली होगी इसने मेरे पर्स में डाल दिया, अगेन रबिश OTG जो बिल्कुल काम नहीं करती, मिनीसो से ली है वो बहुत अच्छी है, और ये आम ली थी आई थिंक इज फॉर 100 रुपीज, इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, अगर आपने कभी ऐसी ली है तो ये फजूल है, आप मिनीसो से लें, मेरे पास है मिनीसो की वो बेस्ट है, बेस्ट 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 है, बट इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ मनी, और ये देखें ओए ओए ये देखें ये मेरे पर्स का सत्यानाश मार रही है, एंड अगेन ये देखें जी क्वाइन, ये अगेन क्वाइन, लगता है मैं जुमेरात में की मांगनी बैठी थी और ये देखें अब मेरे अच्छा हेयर पिन भी है क्योंकि मैंने कटिंग कराई ना वो आगे से फ्लिक कटा हुआ है तो आईज में आए थे तो मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ी सी पिन लगा ली थी इसलिए पिन है, और ये देखें जी अब अंदर ये कितना अगर आपको नजर आ रहा है गंद है, ये हो चुका है खाली, अब मैं इसको साफ करके अपने इसके अंदर चीजें शिफ्ट करूंगी जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको डेफिनेटली मैं नहीं डालूंगी, लेकिन आफ्टर 3-4 डेज फिर मेरे पर्स में इतना ही गंद होगा पता नहीं क्यों रहता है, और ये देखें इनको देखें चेक करें इनकी लड़ाइयां, और ये देखें एक दूसरे को कैसे देख रही है,
एंड आखिर में, इफ़ यू लाइक एनी थिंग इन माई वीडियो देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जजाकल्ला, ताकि मेरा चैनल जल्दी 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 ग्रो करे। और बस यही कहना था मैंने, और तो कुछ नहीं। और ये देखिए सुकून से बैठ गई, और ये रैपर लेके बैठ गई है ये वाली। ओके जी, अब मैं इसके अंदर शिफ्ट कर लूँ इससे पहले मेरा प्री इरादा बदल जाए, और ये मेरे बच्चे भी साथ वीडियो देखने के चक्कर में बीच में आई जा रहे हैं। एंड आई एम डन नाउ, मैंने इसको चेंज कर लिया है आखिरकार, थोड़ा सा ये मैंने अंदर सारे ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, चीज़ें जो नहीं यूज़ की थी उनको मैंने निकाल दिया है। और इंशाल्लाह होपफुली आफ्टर 3-4 डेज ये दोबारा इतना भर जाएगा कि बॉयल होकर इसमें चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। कहते हैं ना उबल उबल चीज़ें बाहर आ रही हैं, वो शुरू हो जाएंगी। एंड वंस अगेन इन द लास्ट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसको शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।